पाकिस्तान मैच जीत गया। यस। पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, तुझे जानते रहना लास्ट में। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। और उस बंगले का क्या हुआ? वो जो बूढ़ी औरत, उसकी तो बात नहीं कर रहे आप? हाँ हाँ जी जनाब, मैं उन्हें ही गल कर रहे हैं जनाब। वो एक गलिए घर फरोख्त हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएंगे हम। बशीर और इनायत के एतराफ़ जुर्म के बाद पुलिस ने अल्फ्रेड की लाश का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि उन्हें कत्ल किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उस प्रॉपर्टी डीलर की तलाश शुरू कर दी जिसने अल्फ्रेड का बंगला खरीदा था। कितने अफसोस की बात है, एक अरसे तक तुम दोनों ने अपनी मोहसिना का नमक खाया और लालच में आके इतना बड़ा कदम उठा लिया। साहब जी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोनों को माफ कर दो साहब जी। अब तुम दोनों इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एहलकार जी सर, इन दोनों का बयान कलमबंद कर लिया। ओके सर। बंद करो इन दोनों को अवालात में ले जाके, और कल उस प्रॉपर्टी डीलर को भी उठाना है। शाहिद कौन है? चलो उठो, थाने चलो। बेटा थाने चल के बताते हैं तो शाबाश, चलो सवाल जवाब नहीं, चलो या इसको। जो है वो आपने एक आदमी के नाम शायद नामी आदमी को बेच दी उन्होंने। मिली भगत थी उसकी भी शायद की ना, शायद ही मिला हुआ था। जो प्रॉपर्टी देख लें वो 2.5 करोड़ की हो, वो 1 करोड़ 10 लाख की उसने ली थी। शायद ने भी उस खातून को, बशीरा को और उसके हस्बैंड को फ़ायदा तो दिया था, उसने फ़ायदा दिया। वो भी फिर इस मिली भगत का उसमें भी उसका आंसर बनता था और उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी शायद की। शायद को भी फिर हमने गिरफ्तार करके उनको भी चलान किया, उसको भी चलान किया। मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया सर? नाजायज प्रॉपर्टी फरोख्त करने के जुर्म में। सर मैंने किसी की प्रॉपर्टी नाजायज बेची है ना सर, खरीदी है। एल्फर्ड का घर किसने फरोख्त करवाया था? लेकिन वो तो उनके मुलाजिम इनायत ने बेचा था सर। किस कानून के तहत तुमने उनका घर बेचा? मुझे क्या पता था सर प्रॉपर्टी किसकी है सर। ज्यादा सयाने बनने की जरूरत नहीं है, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ में खरीद ली। सर सस्ती मिल रही थी इसलिए खरीद ली सर। इसका मतलब है कि तुम भी उन दोनों के साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। अभी पता लग जाएगा। एहलकार जी सर, उठाओ इसको। सर मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया ना सर। उठाओ इसको, लेके जा। सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, लेके जा इसको। और यूं इस कहानी का भेद खुल गया कि किस तरह बशीरा और इनायत ने जायदाद हथियाने के लिए अल्फ्रेड को ठिकाने लगाया। पुलिस की मदद से एमी और जेनी को इस केस में कामयाबी तो हुई, लेकिन उन्हें अल्फ्रेड की मौत का बहुत दुख था और वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके घर के मुलाजिम ऐसा भी कर सकते हैं। हेलो जी, एमी बात कर रही है? जी मैं एमी बोल रही हूँ, कहिए। आपके लिए खुशखबरी है बीबी। खुशखबरी? बशीरा और इनायत ने इकरार जुर्म कर लिया है। क्या? उन्होंने ही आपकी आंटी का कत्ल किया। वो दोनों इतने नमक हराम निकलेंगे हम सोच भी नहीं सकते थे। और वो इस वक्त हमारी हिरासत में है, और वो प्रॉपर्टी डीलर भी जिसके हाथ उन्होंने आपकी आंटी का बंगला फरोख्त करवाया था। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब आपका, आपने हमें इंसाफ दिलवाया। नहीं बीबी, ये तो हमारा फर्ज था, बस आप थाने आ जाएं ताकि केस की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। जी ठीक है, हम आते हैं आपकी तरफ। ठीक है जी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।
जी आपने हमें बुलाया? जी एल्गार। जी सर। तीनों मुलजिमान को लेकर आओ और साथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी। ओके सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इन तीनों का एतराफ़े जुर्म। बीबी आप पुलिस की कार्रवाई से मुत्तफिक हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बीबी, ये तो हमारा फर्ज था। तुम लोग इतना गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बीबी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए बीबी जी। शर्म आनी चाहिए थी तुम लोगों को, क्या करे तुम लोगों ने जिसके साथ किया है। अली बीबी मुझे माफ कर दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती, तुम लोग इतने एहसान फरामोश निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माफ करते बीबी जी। आंटी तुम्हें कितना अपना समझती थी और तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ। तुम लोग माफी के बिल्कुल लायक नहीं हो। मेरी बीबी बता के ले जाओ इनको एल्गार, लेके जाओ इनको, बंद करो आवाज़ हाथ में। मैसेज आवाम को यही दूंगा कि आप जब नौकरानियाँ या कोई नौकर रखते हैं घर में तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, उसको प्रॉपर उसका शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसका कोई एक दो ज़िम्मेदार आदमी जो उस इलाके के यहाँ का जो रहने वाला है उससे उसकी एक बयान अल्फी भी ले लें ताकि वो उसके कंडक्ट की और उसकी जो है किरदार की वो वेरीफिकेशन करें। इंसान के दिल दिमाग में लालच तब पैदा होती है जब उसकी गैर ज़रूरी ख्वाहिशें अंदर से उभर कर आती हैं और वो उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर वो घिनौना अमल करता है जो इंसानियत के दायरे कार में नहीं आता। जैसे इस वाकये में नौकरों ने लालच में आकर अल्फ्रेड की जायदाद हथियाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। अल्फ्रेड की जान तो चली गई लेकिन दोनों लालची मियाँ बीवी अपने अंजाम तक पहुँच गए और जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लें, खोजी @sama.tv।